हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको ईपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और ईपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर लगातार दोस्तों सब्जेक्टों की वीडियो अपलोड हो रही है। तो क्लास 11 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल पर देखिए फिजिक्स, मैथ, बॉटनी कम्प्लीट आपको कोर्स कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री है। फ्री, बिल्कुल फ्री आप वीडियो देख सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में तीनों सब्जेक्ट आप कम्प्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, जो आपका एजी का मैथ है उसकी। एजी के मैथ में देखिए त्रिकोणमिति इस समय चल रही है, त्रिकोणमिति में प्रश्नावली आज हम करेंगे सॉल्व 9 प्रश्नावली 9। तो देखिए, आप बेटे मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा बेटे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन, जब मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, वीडियो आपको पसंद आती है तो बेटे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। इससे क्या होगा कि जो भी बच्चा, देखिए लॉकडाउन के कारण पढ़ाई तो बेटे आपकी हो नहीं पा रही है, तो इसलिए हर स्टूडेंट परेशान है पढ़ाई को लेके। देखिए, अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों को तो इससे क्या होगा कि आपका फ्रेंड भी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेगा अवश्य। तो इसलिए अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दिया करें। बिना किसी देरी के बेटा करते हैं हम टॉपिक की शुरुआत। देखिए, प्रश्नावली आज हम बात करें। देखिए बेटे, फर्स्ट ईयर एजी का मैथ है। देखिए, मैथ की बात करूं बेटा तो भारत भारती प्रकाशन का मैथ है। अब हम प्रश्नावली इसमें पढ़ेंगे, प्रश्नावली 9। तो बेटे सबसे पहले हम देखिए इस प्रश्नावली में जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन महत्वपूर्ण सूत्रों का यूज करना सीखेंगे। कौन कौन से सूत्र यूज करेंगे वो समझिए आप। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बेटा 1 होता है, इसका हम यूज करेंगे इस प्रश्नावली में। इसमें देखिए, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है। सेकेंड नंबर पे कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम देखिए दूसरी कंडीशन पे बात करें तो दूसरा सूत्र लगेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यूज कैसे करना है समझ लीजिए। फर्स्ट कंडीशन पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकेंड नंबर पे समझिए आप, सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है आपका, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा फार्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा। फर्स्ट कंडीशन है इसमें कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसमें चेंज हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है इसकी कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा, कॉसिक क्या है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाता है आपका 1। तो बेटे ये सभी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले की हेल्प से हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा ये मैं नहीं बताऊंगा, फटाफट आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोई भी परेशानी नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉस थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर कॉट थीटा, ये बेटे आपको सिद्ध करना है। दे रखा है कॉस थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर कॉट थीटा, ये बेटा आपको सॉल्व करना है। तो
तो समझिए सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS लीजिए, LHS, देखिए LHS क्या है आपका, cos थीटा इंटू cosec थीटा, cosec थीटा, यही तो है। तो बेटा ये हो जाएगा आपका, देखिए cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। अब जब इसे चेंज करोगे तो बेटे ये हो जाएगा आपका cos थीटा, क्या है ऊपर आएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या हो जाता है बेटा, cot थीटा, क्या हो जाता है cot थीटा, RHS, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको बेटा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए सही है। दूसरा क्वेश्चन बेटे, दूसरा क्वेश्चन देखिए दे रखा है आपका, वो है cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर sin थीटा, ये दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। LHS लिखिए, तो ये है आपका cos थीटा इंटू tan थीटा, तो बेटे ये हो जाएगा आपका, देखिए cos थीटा इंटू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से आप cos थीटा काट दीजिए और रह क्या गया आपका sin थीटा, यानी RHS। दो क्वेश्चन बेटे आपके सॉल्व हो गए, चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे तीसरा क्वेश्चन को समझिए, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है sin थीटा sec थीटा cot थीटा बराबर 1, ये दे रखा है, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, सीधे अब सीधे से सॉल्व इसे करेंगे। ये हो जाएगा आपका sin थीटा इंटू 1/cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या हो जाता है बेटा, 1, साइन से साइन आप काट भी सकते हैं, cos थीटा अपॉन cos थीटा बचेगा, सीधे cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी हो जाएगा 1। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चौथा क्वेश्चन समझिए, चौथा क्वेश्चन है आपका बेटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा बराबर cosec थीटा, cosec थीटा, ये क्वेश्चन दे रखा है। बेटा वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। सीधे LHS ले लो आप, LHS लेने पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए cosec स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा। अब ये कैसे बनेगा देखिए समझिए, ये हो जाएगा बेटा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, और ये अब हो जाएगा आपका 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा हो जाता है आपका cosec थीटा, RHS, ये भी बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए चार क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, चलते हैं बेटा आगे की ओर। चलिए बेटे पांचवा क्वेश्चन को समझिए, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पांचवा क्वेश्चन है sin स्क्वायर थीटा 1+ cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सिद्ध करना है। sin स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 1+ cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपको सिद्ध करना है।
चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बन जाएगा आराम से। सीधे से लीजिए LHS बटे का निशान मत लगाइए, LHS लेने पर क्या है आपका, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा देखिए आपका बेटा साइन स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा, और फिर आपका हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका वन RHS। पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, छठा क्वेश्चन समझिए, छठा क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर, छठा क्वेश्चन समझिए देखिए, ये है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद और है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर थीटा, कोई भी परेशानी नहीं होगी, आराम से बेटा क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आपका, सीधे सीधे इसे सॉल्व कर दें तो देखिए समझिए, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, यही बेटा आपको सिद्ध करना था। तो देखिए कितने आराम से बेटा हमने छः क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए चलते बेटा आगे की ओर, तो बेटा सातवां क्वेश्चन समझिए, सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बेटे वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ये देखिए दे रखा है आपका कॉसिक थीटा रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट थीटा, ये बेटा कॉट थीटा आपको सिद्ध करके लेके आना है, चलिए करते हैं इसे भी सॉल्व, तो देखिए ये है आपका कॉसिक थीटा रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा आपका देखिए वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर बेटा हो जाता है आपका कॉट थीटा, आराम से क्वेश्चन बन गया, कोई भी परेशानी नहीं हुई। आठवां क्वेश्चन समझिए, आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आठवां क्वेश्चन है आपका वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बाद वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये बेटा सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो बेटा आठवां क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी, सिर्फ आप देखिए क्वेश्चन के लिए, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस कॉट वाला है ना, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा कॉसिक, ये वाला लगेगा, ये वाला फार्मूला कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर ये हो जाएगा आपका वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये बेटा हो जाता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये बेटा थीटा है, थीटा समझना इसे, तो बेटे आठ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, देखिए नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलते बेटे आगे की ओर, तो बेटे नवा क्वेश्चन आप समझ गए, नवा क्वेश्चन हमारा ये था देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर दो। तो इसे कैसे सॉल्व करा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए इसे खोलोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा और कॉस थीटा। ये अब देखिए यहाँ आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, वन है। इसी प्रकार से ये कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टू साइन, ये है देखिए टू साइन थीटा और कॉस थीटा, तो टू साइन थीटा ये प्लस का ये आप काट सकते हो, ठीक है। अब बचा आपका ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कहीं ना कहीं होगा, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो इसका भी वन हो गया इसका भी वन हो गया, वन वन प्लस कितना हो गया टू हो गया। इसी प्रकार से दसवां क्वेश्चन देखिए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बेटा सिद्ध करके लाना था। एल एच एस लिया वन माइनस साइन की पावर फोर थीटा, ये आपका हो जाएगा देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब इस चीज़ को चेंज करोगे आप तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रेकेट में वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा आर एच एस। तो बेटे क्वेश्चन 9 और 10 आप समझ में आ गया होगा, चलते हैं बेटा 11वें क्वेश्चन की ओर। चलिए 11वां क्वेश्चन समझिए, 11वां क्वेश्चन है आपका कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर वन। 11वां क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन को समझिए। वन आपको लाना है सिद्ध करके, तो ये हो जाएगा आपका देखिए कॉसिक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जब हो आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आया क्या बराबर वन। यही बेटे आपको सिद्ध करना था। चलिए चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ, 12वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा आपका क्या है। 12वां क्वेश्चन समझिए, ये देखिए कॉस थीटा कॉसिक थीटा अंडर रूट में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, थीटा माइनस वन बराबर वन लेके आना है। इसमें भी सिद्ध करके आपका आपको क्या लेके आना है बेटा वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। 12वां क्वेश्चन समझिए आप, ये आपका बेटा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू वन अपॉन साइन थीटा इंटू टेन थीटा। आगे इसे बढ़ाओगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा काट लीजिए, साइन थीटा से साइन थीटा काट लीजिए, बराबर क्या आ जाएगा आपका वन। तो बेटा 11 और 12वां क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, चलते हैं आगे की ओर। बेटे 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 13वें क्वेश्चन को समझिए आप, 13वां क्वेश्चन है आपका वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये भी वन सिद्ध करके लाना है आपको, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को बेटे लाइक नहीं करा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। समझिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा देखिए अब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से कट कर लीजिए, बराबर क्या आ गया वन। 13वां क्वेश्चन देखिए आपका कितना आराम से बन गया,
चौदवा क्वेश्चन देखिए, चौदवा क्वेश्चन बेटे आपकी स्क्रीन पर, चौदवा क्वेश्चन दिया है साइन थीटा रूल में दिया है आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट है बेटे, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कॉस थीटा आपको सिद्ध करना है। क्या करना है बेटा, कॉस थीटा आपको सिद्ध करके क्या लेके आना है, कॉस थीटा। तो समझ लीजिए आराम से, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये आपका क्या बनेगा समझिए, ये हो जाएगा देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होगा आपका साइन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा आपका, और फिर आगे इसे बढ़ाओगे तो आपका हो जाएगा देखिए ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा आप काट लीजिए, बचा क्या आपका देखिए बेटे कॉस थीटा। कितने आराम से क्वेश्चन बन गया, चौदहवा भी, कोई भी आपको परेशानी नहीं हुई। चलते बेटा आगे की ओर, पंद्रहवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए बेटे पंद्रहवें क्वेश्चन को समझिए, पंद्रहवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बेटे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक नहीं करा वीडियो को अभी प्लीज़ लाइक करिए। देखिए बेटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है। ये दिया है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है वन अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए करते हैं इसे भी सॉल्व, तो सीधे लीजिए एल एच एस, ये दिया है आपका वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आपका ये हो जाएगा बेटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आर एच एस। क्लियर, पंद्रह क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। सोलहवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सोलहवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बेटे सोलहवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझिए। ये है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बराबर वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, इसके बाद है साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बाद देखिए दिया है साइन थीटा और कॉस थीटा। ये पार्ट बेटा इतना आपको सिद्ध करके लाना है, इतना ठीक है, इतना आपको सिद्ध करके लेके आना है, साइन क्यू थीटा है और प्लस कॉस क्यू थीटा है। तो समझिए आप सोलहवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कैसे बनाना है, बनाइए। ये है देखिए आपका साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, अब क्यू वाला फार्मूला है नहीं इसके अंदर, कोई बात नहीं क्वेश्चन बनेगा आपका। ये हो जाएगा देखिए आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट कर लीजिए बंद, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होगा, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, अब कर लीजिए इसे ब्रैकेट बंद। तो ये आपका देखिए क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो रह गया भाई साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपका हो गया साइन थीटा कॉस थीटा
वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटे 15-16 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे 17वां क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। 17वां क्वेश्चन दे रखा है वन अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन cosec स्क्वायर थीटा और बराबर का आपको लेके क्या आना है वन, ये आपको सिद्ध करना है, कोई परेशानी नहीं होगी, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो सीधे सीधे देखिए इसे सॉल्व हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है वन, यहीं पे इसे समाप्त कर दीजिए। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन समझिए आप, ये दे रखा है देखिए साइन थीटा अपॉन कॉसिक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा बराबर वन, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सिंपली है। तो ये हो जाएगा आपका देखिए साइन अपॉन कॉस है, कॉस अपॉन सेक है, तो ये हो जाएगा आपका देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा समझिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है वन। तो 17वां 18वां क्वेश्चन आराम से बन गया। अब चलते हैं बेटा अगले आगे की ओर, 19वें क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा 19वां क्वेश्चन समझिए। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 19वां क्वेश्चन है sec स्क्वायर थीटा माइनस वन और cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन, cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर वन, इसमें भी वन लेके आना है, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन आपका बनेगा। LHS लीजिए, LHS लीजिए आप, देखिए दे क्या रखा है sec स्क्वायर थीटा माइनस वन और ये दिया है cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इसे सॉल्व करिए, आराम से क्वेश्चन बनेगा, ये हो जाएगा आपका देखिए tan स्क्वायर थीटा cosec, ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे देखिए tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, ये चेंज हो जाएगा आपका, तो बन जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा आप काटिए बराबर क्या आ गया वन। तो चलते हैं बेटे 20वें क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है। 20वां क्वेश्चन भी सिंपली है, समझिए आप, sec थीटा क्या दे रखा है sec थीटा अपॉन cos थीटा माइनस tan थीटा अपॉन cot थीटा बराबर वन, तो इसमें भी बेटे वन सिद्ध करना है, 20वां क्वेश्चन है, आराम से बनेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए आपका हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो जाएगा आपका वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ये चेंज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अब आप काट सकते हैं इसे, तो बराबर क्या आ जाएगा वन, क्लियर। तो देखिए बेटे इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। देखिए बेटे एक्सरसाइज आपकी थी एजी का मैथ पढ़ रहे हो आप, प्रश्नावली है 9, प्रश्नावली 9 में बेटे हमने 20 क्वेश्चन आराम से पढ़ लिए। अब 20 से आगे के क्वेश्चन इसकी अगली वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो बेटे आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।